शारदा किचन में चौथे दिन के लिए बनेगा चिकपी सैलेड, जो कि कलरफुल है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन्स एंड प्रोटीन भी हैं। इसे बनाना आसान है और सिंपल तरीके से बना सकते हैं, इसलिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं शारदा, शारदा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने ब्राउन वाले चने लिए, एक कप लिए मैंने, इसे मैंने पूरी नाइट पानी में सोकर लिया है, भिगो कर लिया है। इसका पानी हटा देते हैं, ये मैंने साइड में पानी गर्म करने के लिए रखा था। इसे उबाल कर लेते हैं, इसे भी ज़्यादा बॉईल करना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पका लेंगे। जब तक ये चना कुक हो जाएगा तब तक हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन गाजर लिए, मेरे पास बड़े बड़े नहीं थे तो मैंने तीन छोटे छोटे ले लिए, और एक खीरा लिया यानी कुकुम्बर और एक प्याज, इसे हम बारीक टुकड़ों में काट कर लेंगे। सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेते हैं, इसके हम लंबे लंबे स्लाइसेस कट कर लेंगे। ये प्याज थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने और एक प्याज ले लिया है। यदि आपके पास बड़ा प्याज है तो आप एक प्याज ले लीजिए। कुकुम्बर को भी कट कर लेते हैं, इसका आगे का और पीछे का पार्ट हटा लेते हैं। खीरा के भी हम लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए। इसे लेते हैं एक बाउल में, गाजर को कट कर लेते हैं, इसका भी आगे का और पीछे का पार्ट कर लेते हैं, और इसके ऊपर थोड़े से ये देसी गाजर है तो थोड़े बाल रहते हैं हटा लेते हैं। कैरेट के भी हम लंबे लंबे स्लाइसेस कर लेंगे। चने को हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो गए, गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दो ग्रीन चिली लिए, इसे दो पार्ट में कट कर लेते हैं। बड़े बाउल में प्याज को लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह, इसमें खीरा ऐड कर देते हैं, कुकुम्बर और एक गाजर और ये उबले हुए चने। मैंने एक बाउल चना लिया था तो आधे चने इसमें डाल दिए, ये दो पर्सन के लिए बना रहे हैं। इसके लिए तड़का बना लेते हैं, पैन गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देते 1 टीस्पून जितना ऑयल, थोड़ा ही डाल देते, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते थोड़े से सरसों के दाने, इसे अच्छी तरह से चटक में देते, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और गैस को बंद कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं ग्रीन चिली, तड़का इसके ऊपर डाल देते हैं सैलेड के ऊपर, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के लिए, लास्ट में डाल देते हैं हरा धनिया। बहुत बढ़िया सैलेड बनने वाला है हमारा, एकदम कलरफुल और टेस्टी भी, और हेल्थ के लिए तो बहुत फायदेमंद है। अच्छी तरह से मिला लेते, तो लीजिए चिकपी सैलड हमारा तैयार है, जो कि कलरफुल है, हेल्दी है और इसमें अधिक मात्रा में फाइबर, विटामिन एंड प्रोटीन्स भी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच टिफिन में भी ले जा सकते हो। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं पांचवें दिन के सैलड के साथ, जो कि हेल्दी है एंड टेस्टी है। आप इसे इस तरह से पैक कर दीजिए, आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच टिफिन में भी ले जा सकते हो।
इसे इस तरह से पैक कर दीजिए। बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए और अपने अनुभव में शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।